यशोधरा नगर पुलिस ने एक चोर को पकड़कर 3 वारदातों को खुलासा किया है और उसकी निशानदेही पर गहनों समेत करीब 30,000 रुपए का माल बरामद किया है। आरोपी का नाम इंदिरा माता नगर निवासी शुभम उर्फ कालू मनीराम छोटे बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 नवंबर 2020 को तड़के करीब 4:20 को राजीव गांधी नगर निवासी अजीज खान सुभाष खान के यहाँ से अलमारी से गहनों समेत 39,000 रुपए का माल चोरी हो गया था। उन्होंने यशोधरा नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उधर शनिवार को गश्त के दौरान शुभम को राजीव गांधी पुतले के पास संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए देखा गया। पता चला कि शुभम शातिर चोर है और अन्य थानों में भी उसके खिलाफ मामले दर्ज है। पुलिस को पहले से शक था कि अजीज के यहाँ हुई चोरी में शुभम का हाथ हो सकता है। कड़ाई से पूछताछ करने पर शुभम ने अजीज के घर समेत 3 चोरियों की कबूली दी है। इनमें से यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में की थी, जिसमें उसने सोने की गहने और 12,000 रुपए नकद समेत 28,000 रुपए का माल साफ किया था। इसी प्रकार उसने 10,000 रुपए की कीमत की ई रिक्शे की बैटरियां चुराई थी। उसके निशानदेही पर पुलिस ने सोने के टॉप्स, नाक तारा और मंगलसूत्र के मणि समेत कुल 39,000 रुपए का माल बरामद किया। उक्त कार्यवाही डीसीपी नीलोत्पल, एसीपी रोशन पंडित के मार्गदर्शन में पीआई अशोक मिश्राम, एपीआई जितेंद्र भार्गव, प्रकाश काली, विजय लांचीवार, मधुकर निखाड़े, रत्नाकर कोठे आदि ने पूरी की। त्यामध्ये असं आहे की आम्ही रात्रीला माझे स्वतःचा नाईट राऊंड होता आणि अचानक आम्हाला माहिती मिळाली की एक जो संशयित आहे तो इंद्रामाता नगरमध्ये लपून बसलेला आहे। त्या माहितीवरून मी आणि माझे डीबी पथकांना रात्रीलाच त्या ठिकाणी गेलो 4:15 वाजता आणि ते एक त्या एरियामध्ये धडती घेतली। ते एका ठिकाणी बाथरूममध्ये एक जो शुभम नावाचा, शुभम उर्फ कालू मनीराम छोटे म्हणून आहे, वय 22 वर्ष, इंद्रामाता नगर, हा तिथे लपून बसला होता। त्यानंतर त्याला आम्ही तिथे पकडलं, त्यांनी पळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आम्ही त्याला पकडून पोलिसांना इंटरोगेट केलं आणि इंटरोगेटमध्ये त्यांनी सांगितलं की मी यशोधरा नगर एरियामध्ये एक एचबीटी म्हणजे हाऊस घरफोडी आणि 2 चोऱ्या केलेल्या आहेत आणि त्या त्यांनी कबूल केल्या आणि त्याच्याकडनं त्याप्रमाणे आम्ही माल हस्तगत केलेला आहे। यामध्ये आताकडनं त्याच्याकडे आत्तापर्यंत त्याच्याकडनं आपण 65,000 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे आणि पुढील यामध्ये तपास सुरू आहे। कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मिरे की रिपोर्ट।